एवरीवन, मार्च का महीना है और शाम का समय है। मैं अपने टेरेस पे हूँ इस समय और यहाँ पे देखिए लगी हुई हैं सब्जियाँ। तो ये सब्जियाँ, ये पत्ता गोभी हैं और इधर सलाद के पत्ते, ये देखिए ब्रोकली, मैंने दोबारा कटिंग कर नहीं पाई तो इसमें फूल से बन गए। और इधर धनिया पत्ती, पत्ता गोभी और इधर ब्रोकली, इधर है कॉलीफ्लावर और ये है ब्रोकली। तो चलिए मैं ब्रोकली को कर लेती हूँ हार्वेस्ट। तो अभी बिल्कुल हार्वेस्ट अगर नहीं करूँगी तो ख़राब हो जाएंगे। तो इन्हें देखिए यहाँ से मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ ब्रोकली। तो देखिए यहाँ और भी लगे हैं, तो यहाँ पर भी ब्रोकली है तो इसे भी मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। तो ये सबसे बाद में हमने इस ब्रोकली को लगाया था तो थोड़ा सा देखने में डिफरेंस लग रहा है कि ये जलने वाले हो गए। और यहाँ पे जो ये सलाद पत्ता है इसे भी ले लेती हूँ। देखिए इसमें राउंड सा बन गया है सलाद पत्ते में, तो यहाँ से मैं ले लूँगी सलाद पत्ता। तो ये भी हमने ले लिया और इधर देखिए लगी है पत्ता गोभी। तो ये पत्ता गोभी भी मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी क्योंकि अब ये नहीं बढ़ेगा, इसका साइज पूरा हो चुका है। तो ये देखिए ये रहा छत का पत्ता गोभी। तो हमने छत पर से पत्ता गोभी हार्वेस्ट कर ली और भी देखिए पत्ता गोभी है तो उसे भी हार्वेस्ट कर लूँगी। दो और भी हैं इधर हैं, तो इसका भी साइज अच्छा बन चुका है तो इसे भी मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। तो देखिए ये रहा, तो दो हमें पत्ता गोभी भी मिल गए हैं, तीन ब्रोकली, दो पत्ता गोभी, शैलेड और देखते हैं क्या है हार्वेस्टिंग के लिए। तो आगे चलते हैं, तो इधर है यहाँ से तोड़ती हूँ। हाँ यहाँ पे हमने देखिए आलू लगा रखे थे, तो ये आलू की देखिए डालियाँ सूख सी गई। ये तो ये आलू सूख गया इसका डंठल। तो अभी मैं देखती हूँ इसके नीचे आलू पड़े हैं कि नहीं। मैंने बहुत ही लास्ट में उगाया था तो ये देखिए आलू भी पड़ गए हैं, लेकिन बहुत 2 महीने के अंदर इतना बड़ा साइज हुआ है। मैंने